हेलो गाइस, मैं हूं रंजन मिश्रा और आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के एमसीक्यू करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम लोग टॉपिक वाइज सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो एमसीक्यू हमारे काम के हैं। ठीक है, यहां पे देखिए, सबसे पहले मैंने ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर को समझ लेते हैं कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। बेसिक में डिटेल में नहीं जाएंगे, लेक्चर नहीं लेंगे ट्रांसफार्मर पे, बस केवल फॉर्मूला और बेसिक आइडिया ले लेंगे और फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर जो है पूरी तरीके से बेसिकली ये एसी डिवाइस होता है। ठीक है, जब लेक्चर आपने देखा होगा तो उसमें देखा होगा करंट वार हुआ था डीसी और एसी को लेके। तो डीसी को पीछे छोड़ने के लिए, ठीक है, जो डीसी था बहुत पीछे छूट गया जब हमारा ट्रांसफार्मर आया था। एक क्रांतिकारी एक इन्वेंशन था हमारा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है कि एक पूरी तरीके से एसी डिवाइस है जो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। ठीक है, होता क्या है कि एक कॉयल, प्राइमरी कॉयल इसको बोलते हैं, मान लीजिए कि इस पे नंबर ऑफ टर्न्स एनपी है और इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉयल्स। इधर का जो फ्लक्स है, प्राइमरी का जो फ्लक्स है, इधर लिंक होता है सेकेंडरी पे। ठीक है, तो जो फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था उसके हिसाब से, ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला आता है यहां पे आ जाएगा बीपी इक्वल टू माइनस एनपी डी फाई अपॉन डीटी, और जो Vs इधर जो मैं इधर बनाया था हूं, यहां पे जो हमारा वोल्टेज होगा Vp होगा प्राइमरी पे और ये हमारा सेकेंडरी है। मैं यहां पे डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ठीक है ना, केवल फॉर्मूला वो डिस्कस कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन हम लोग कर सके, लेक्चर नहीं ले रहे हैं डिटेल में इसका। जो सेकेंडरी पे होता है डेट इज Vs माइनस Ns डी फाई अपॉन डीटी, सेम फ्लक्स देखिए लिंक हो रहा है, दोनों को डिवाइड करिए तो Vp अपॉन Vs आ जाता है Np अपॉन Ns। ठीक है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ये हमारे पास आ गया, इसको हम लोग केस नोट करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफार्मर रेशियो। ठीक है, अब यहां देखिए, ये आपका प्राइमरी का वोल्टेज है, ये आपका सेकेंडरी का वोल्टेज है। अगर अगर BP, ठीक है, अपॉन Vs ग्रेटर देन वन हो जाए तो क्या होगा? BP जो होगा क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा Vs से। दैट मीन सेकेंडरी पे वोल्टेज कम हो गया, और ये जो कंडीशन है कि सेकेंडरी पे वो आपका वोल्टेज कम हो जाए, दैट इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, इसको हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब इसमें होगा क्या, देखिए, अगर बीपी अपॉन बी एस ग्रेटर देन वन है, बीपी अपॉन बी एस किसके इक्वल था? एनपी अपॉन एनएस के, एनपी अपॉन एनएस, एंड दैट विल बी ग्रेटर देन वन। इसका मतलब कि जो प्राइमरी पे टर्न होगा ज्यादा होगा और सेकेंडरी पे जो टर्न होगा वो कम होगा। That means step down होने के लिए सेकेंडरी पे टर्न कम होना चाहिए, ठीक है, वहां पे वोल्टेज कम हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में एक और चीज होता है जो हमें समझना है कि ट्रांसफार्मर में 100% पावर प्राइमरी से सेकेंडरी पे ट्रांसफर होता है। इन जनरल अगर हम लॉसेस को कंसीडर ना करें, थोड़ा बहुत लॉसेस भी होता है, उस केस में जो पावर होगा, देखिए यहां पे प्राइमरी पे करंट अगर आईपी है और सेकेंडरी पे करंट अगर आईएस है, तो जो पावर होगा, पावर क्या होगा? आईपी इंटू बीपी इक्वल टू आईएस इंटू वीएस, दैट इज द प्राइमरी पावर एंड दिस इज द सेकेंडरी पावर। ये चीज भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें हैं। अब यहां से एक चीज और देख लीजिए, अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा तो ये K की वैल्यू 1 हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। देख लीजिए,
क्योंकि ये जो रेशियो था के का, इसको के बोल रहे थे, अगर ये रेशियो सेम रेशियो अगर लेस देन वन हो जाए, ठीक है, तब क्या होगा, देखिए यहां पे बीपी जो है उल्टा हो जाएगा और फिर वीएस ज्यादा हो जाएगा, तब इसको स्टेप अप बोल देते हैं। इन दैट केस इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोल देते हैं, और उस केस में के की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन से ज्यादा हो जाएगी। अब क्वेश्चन देखते हैं इसके, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा गया ए ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, चार ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, म्यूचुअल इंडक्शन, सेकेंड ऑप्शन है इन्वर्टर, थर्ड ऑप्शन है कन्वर्टर, फोर्थ ऑप्शन है सेल्फ इंडक्शन। अभी मैंने बताया कि ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ऑप्शन विल बी ए, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन कहा गया द क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज इन ट्रांसफार्मर, ये चीज अच्छा है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी का जो फ्रीक्वेंसी होता है और जो सेकेंडरी का फ्रीक्वेंसी होता है वो सेम रहता है। हमेशा ध्यान रखिए कि जो प्राइमरी का फ्रीक्वेंसी होगा और सेकेंडरी का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो सेम रहता है, ठीक है। एक चीज और सेम रहता है फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, अभी मैंने बताया कि पावर, जो इनपुट पे पावर होगा वही पावर आउटपुट पर भी होगा अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है, ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा डेट इज बी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड इन ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंक्रीज्ड इन ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या इंक्रीज करेगा, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि वीपी, ठीक है, अपॉन वीएस, ये जो वैल्यू है स्टेप डाउन होना है आपको, ठीक है, स्टेप डाउन होने के लिए क्या होना चाहिए कि वी एस शुड बी लेस देन वीपी, ठीक है, क्या हो रहा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, दैट मीन सेकेंडरी का जो वोल्टेज है वो कम हो जाना चाहिए और प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा रहना चाहिए, तो वीपी अपॉन वीएस आपको लिखना है, तो यहां से देखो क्या आएगा, देखो वीपी अपॉन वीएस ग्रेटर देन वन हो गया, ठीक है, ये आपका कहानी हो गया, ये वन से ज्यादा हो गया। लेकिन अल्सो आपको पता है फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर कि आईपी इंटू बीपी मस्ट बी इक्वल टू आईएस इंटू वीएस, तो यहां से देखिए क्या है आपका, बीपी अपॉन वीएस मस्ट बी इक्वल टू आईएस अपॉन आईपी, और ये बीपी अपॉन वीएस क्या है, आईएस अपॉन दैट इज ग्रेटर देन वन, ये वन से ज्यादा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो यहां पे देखिए क्या हो गया कि आईएस इज ग्रेटर देन आईपी, दैट मीन सेकेंडरी पे क्या बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, देख लीजिए आईएस इज ग्रेटर देन आईपी, दैट मीन सेकेंडरी का करंट ज्यादा है, वोल्टेज तो कम होगा क्योंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज तो कम हो रहा है बट करंट बढ़ रहा है, क्योंकि इनका दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, करंट विल इंक्रीज, ठीक है, इसका थर्ड का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन, कहा गया है कि द मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर मेकिंग द ट्रांसफार्मर कोर, अब ट्रांसफार्मर कोर देखिए, ये जो हमने ट्रांसफार्मर अभी बनाया था, ठीक है, ये कोर होता है सिंबल में, दिस इज द कोर, और ये नोटेशन ही है सॉफ्ट आयरन कोर का, ये जो दो डंडी बनाया गया है इसका मतलब होता है कि ये सॉफ्ट आयरन कोर है, इसका मतलब डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आंसर ए हो गया आयरन, दैट मींस ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए आपको सॉफ्ट आयरन कोर यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन,
फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, फॉर आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द क्वांटिटी विच इज कॉन्स्टेंट फॉर बोथ द क्वाइल. अभी मैंने बताया कि पावर क्या होना चाहिए, इनपुट और आउटपुट पे हमेशा सेम होना चाहिए फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर. ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. ट्रांसफार्मर रेशियो ऑफ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इज, चार ऑप्शन है, ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, इक्वल टू वन, नन ऑफ दिस. अब सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए क्या कहा गया, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है. स्टेप ऑफ का मतलब क्या होना चाहिए कि सेकेंडरी पे वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए एंड प्राइमरी पे कम होना चाहिए. इसका मतलब यहां से देखिए क्या हो गया, बीपी अपॉन बीएस शुड बी लेस देन वन. देख लीजिए, ये बीएस इधर गया तो बीपी अपॉन बीएस शुड बी लेस देन वन एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर रेशियो. बीपी अपॉन बीएस को ही हम के बोलते थे, ट्रांसफार्मर रेशियो तो क्या होना चाहिए, लेस देन वन होना चाहिए. क्यों? क्योंकि देख लो इसको इधर लगे जाओ तो बीपी इज लेस देन बीएस, क्या हो जाएगा, स्टेप अप हो जाएगा, वोल्टेज आपका बढ़ जाएगा. तो क्या होगा ऑप्शन, लेस देन वन, ऑप्शन इज बी. फिर कहा गया द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड. ठीक है, ये डायरेक्ट हम लोग थ्योरी में डिस्कस किए हुए हैं कि एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम लोग कोर को लेमिनेट करते हैं. सिंपल सा फंडा है एडी करंट कम करने के लिए. तो देखिए इसमें ऑप्शन बी है, एनर्जी लॉसेस ड्यू टू एडी करंट. तो डायरेक्ट क्वेश्चन था ऑप्शन बी. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रांसफार्मर यूज टू कन्वर्ट एसी टू डीसी वोल्टेज, कन्वर्ट डीसी टू एसी वोल्टेज. एसी डीसी के लिए हम कन्वर्टर के लिए यूज करते नहीं है, हम किस लिए यूज करते हैं, ऑब्टेन डिजायर्ड एसी वोल्टेज एंड करंट. क्योंकि एसी डिवाइस है ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन विल बी सी. ठीक है, ऑब्टेन डिजायर्ड डीसी वोल्टेज एंड करंट नहीं हो सकता क्योंकि ये डीसी डिवाइस नहीं है. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, पढ़िए. कहा गया इन ट्रांसमिशन ऑफ एसी पावर थ्रू ट्रांसमिशन लाइन व्हेन वोल्टेज इज स्टेप अप. ठीक है, अब ध्यान दीजिए, वोल्टेज को क्या किया गया है, स्टेप अप किया गया है एन टाइम्स से बढ़ा दिया गया है द पावर लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन. अब पावर लॉस क्या होता है, जो पावर लॉस होगा दैट इज आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर. ठीक है, अब आई आर एम एस क्या है, सेकेंडरी पे आपका करंट, सेकेंडरी पे करंट पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा. अब यहां देखिए आपने क्या किया है, स्टेप अप किया है एन टाइम्स, दैट मीन्स वी एस इज एन टाइम्स बीपी. सेकेंडरी पे एन टाइम्स बढ़ गया, इसका मतलब कि बीपी अपॉन वी एस मस्ट बी इक्वल टू वन अपॉन एन. ठीक है, और आपका हमने अभी पढ़ा था कि बीपी अपॉन वी एस ये होता है आई एस अपॉन आई पी के, दैट इज आई एस अपॉन आई पी. दैट मीन्स यहां से आई एस की वैल्यू क्या आ गई, सेकेंडरी पे आई पी अपॉन एन, एन टाइम्स करंट सेकेंडरी पे कम हो गया. इसका मतलब यहां पे एन टाइम्स कम हुआ है तो एक आर एम एस होगा, बेसिकली सेकेंडरी पे आर एम एस करंट है तो एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. दैट मीन्स जो पावर लॉस है, ये पावर लॉस आपका पावर लॉस क्या हो जाएगा, वन अपॉन एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा. दैट मीन्स ऑप्शन डिक्रीजेज एन टाइम्स, आंसर इसका ए हो जाएगा. देख लीजिए यहाँ पे वन अपॉन एन एन स्क्वायर टाइम्स हो गया है, बेसिकली ये जो आई आर एम एस स्क्वायर इंटू
आर वन अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा गया है। देखिए, एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज यूज्ड ऑन 220 वोल्ट लाइन टू डिलीवर 2 एम्पियर 110 वोल्ट करंट थ्रू द प्राइमरी। सिंपल सा सवाल है, क्या कहा गया, आइडियल ट्रांसफार्मर इज यूज्ड ऑन, दैट मींस प्राइमरी वोल्टेज गिवन है आपका 220 वोल्ट, ठीक है, सेकेंडरी वोल्टेज गिवन है आपका कितना 110 वोल्ट, और सेकेंडरी करंट गिवन है आपका 20 एम्पीयर। अभी हम लोगों ने पढ़ रखा था फॉर्मूला, क्या पढ़ रखा था, बीपी अपॉन बीएस इक्वल टू आईएस अपॉन आईपी। आपसे पूछा क्या गया है, प्राइमरी, प्राइमरी पे करंट, करंट थ्रू द प्राइमरी आईपी पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो यहां से आईपी, आईपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वीएस अपॉन बीपी इंटू आईएस, ठीक है। वीएस कितना है 110, बीपी कितना है 220, और आईएस कितना है 2, 0 से 0 गया, दिस इज 2, 2 से 2 गया, आ गया 1 एम्पियर, दैट इज आईपी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 एम्पियर। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अ प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैज 500 टर्न्स, दैट मींस क्या गिवन है आपका, एनपी गिवन है 500 टर्न्स एंड सेकेंडरी हैज 5000 टर्न्स। इफ प्राइमरी इज कनेक्टेड टू एसी सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट, दैट मींस बीपी गिवन है यहां पे, यहां पे एनपी गिवन है, और यहां पे एनएस गिवन है, ठीक है। पूछा क्या गया है, सेकेंडरी विल बी, फ्रीक्वेंसी, देखिए फ्रीक्वेंसी तो सेम रहता है, पता ही आपको कि ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी पे फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, तो 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज ही रहेगा, ठीक है। अब हमारे को पता चल गया कि एनपी क्या है, एनएस क्या है, और बीपी क्या है, निकालना बीएस है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है, क्या बीपी अपॉन बीएस इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस। आपको चाहिए क्या, सेकेंडरी वोल्टेज, दैट मींस वीएस चाहिए आपको, तो क्या हो जाएगा, एनएस अपॉन एनपी इंटू वीपी, ठीक है। तो यहां से वीएस, एनएस कितना है 5000 और एनपी कितना है 500 इंटू बीपी, बीपी कितना है 20। यहां से देखिए ये 20 से 20 गया, 5 10 टाइम्स इट बिकम्स 200 वोल्ट, दैट इज सेकेंडरी वोल्टेज आपका कितना आ गया 200 वोल्ट, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज होगा ही, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, देख लीजिए 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर बहुत इजी टॉपिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। कहा गया टर्न रेशियो इन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज 1:2। इफ ए लैक्लांसिस सेल ऑफ 1.5 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस द इनपुट, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द आउटपुट। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, एकदम जैसा क्वेश्चन आता है वैसा ही क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। इनपुट पे वोल्टेज ये है, टर्न रेशियो वो है, सब कुछ दे दिया गया है आपको ट्रैप करने के लिए। लेकिन आपको यहां देखिए क्या कहा गया है,
कि लेकलांसे सेल लगाया गया आपके इनपुट पे, ठीक है, इनपुट पे क्या लगाया गया, लेकलांसे सेल, और ये डीसी होता है और डीसी पे ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है। दैट मीन्स कोई भी फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब आउटपुट पे वोल्टेज जीरो रहेगा। ठीक है, ये ट्रैप करने के लिए क्वेश्चन दिया गया था कि ये डीसी लगाया गया है इसमें, ठीक है, अगर डीसी होगा तो फिर कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जीरो वोल्ट। ठीक है, सब कुछ दिया गया है, ट्रैप रेशियो भी दिया गया है, वोल्टेज भी दिया गया है। अगर ये कंसेप्ट ना पता हो कि ट्रांसफार्मर एसी पे काम करता है या डीसी पे, तो भी उस क्वेश्चन में आप ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, अ ट्रांसफार्मर विथ इफिशियंसी 80%। ठीक है, इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, वेरी गुड। फिर कहा गया वर्क्स एट 400 किलोवाट। कितना है ये, ये ट्रांसफार्मर विथ इफिशियंसी 8% वर्क्स एट 4 किलोवाट एंड 100 वोल्ट। दैट मीन्स पी आई गिवन है आपके पास, देखिए कितना, 4000 वॉट। और पावर होता क्या है, प्राइमरी है ये, तो प्राइमरी पे वोल्टेज और प्राइमरी पे करंट, सिंपल सा कहानी है। ठीक है, अब कहा गया इफ सेकेंडरी वोल्टेज इज 200 वोल्ट। ठीक है, सेकेंडरी वोल्टेज भी गिवन है आपका 200 वोल्ट। ठीक है, फिर पूछा गया देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट, आईपी और आईएस पूछा गया। तो यहां देखिए, यहां से आईएस, ये आईएस नहीं है ना, आईपी है। प्राइमरी क्या होगा, बीपी इंटू आईपी, तो यहां से आईपी निकल जाएगा प्राइमरी पे करंट, क्योंकि पावर होता है क्या, वोल्टेज इंटू करंट, सिंपल सा आपको 10th क्लास में पता है कि पावर जो होता है वी आई होता है। तो यहां से आईपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4000 अपॉन वीपी, प्राइमरी पे जो वोल्टेज है, और प्राइमरी पे वोल्टेज गिवन है दिस इज 100। ठीक है, तो यहां से 100 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 40 एम्पियर। दैट मीन्स आईपी की वैल्यू आ गई आपकी 40 एम्पियर। ठीक है, देख लीजिए, अब आपको आईएस चाहिए, अब इसका इस्तेमाल करते हैं। इफिशियंसी क्या गिवन है, ईटा आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ठीक है, आउटपुट पावर क्या होगा, बीपी यानी बीएस, सेकेंडरी पे आईएस, बीपी इंटू आईएस अपॉन इनपुट पावर। इनपुट पावर कितना है आपका, गिवन है क्वेश्चन के अंदर 4000 वॉट, तो ये 4000 वॉट हो गया। और इफिशियंसी कितना गिवन है, 80%, मतलब 0.8। ठीक है, सेकेंडरी का वोल्टेज भी गिवन है, देखिए द सेकेंडरी वोल्टेज इज 200 वोल्ट, यहां रख दीजिए सेकेंडरी की जगह पे 200, दैट मीन्स 200 इंटू आई एस अपॉन 4000 इक्वल टू 0.8, 2 जीरो से 2 जीरो गया, और ये हो गया 20, ये जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो आई एस इक्वल टू 0.8 इंटू 20, 1 जीरो से डेसिमल गया, आई एस की वैल्यू आ गई 16 एम्पियर, और आईपी की वैल्यू आ गई थी 40। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 40 और 16 एम्पियर, ऑप्शन ए। ठीक है, सिंपल सिंपल सा ट्रांसफार्मर जो है बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये दोनों क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है। ठीक है, अब यहां देखिए कहा गया है फॉर द गिवन सर्किट कमेंट ऑन द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। अब फिगर बना हुआ है, देखिए प्राइमरी पे वोल्टेज गिवन है, सेकेंडरी का करंट गिवन है, और सेकेंडरी का पावर गिवन है। ठीक है, अब पूछा गया है कि ये ट्रांसफार्मर कौन सा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक बेसिक कंसेप्ट है कि जो
पावर होता है वो वोल्टेज इनटू करंट होता है, ठीक है। और आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए जो इनपुट पे पावर होता है वही पावर आउटपुट पे हो जाता है। ये बेसिक कंसेप्ट ट्रांसफार्मर के लिए याद रखना है, कहानी खत्म हो जाएगी। अब यहां देखिए पावर कितना गिवन है आउटपुट पे, सेकेंडरी पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल के लिए तो आउटपुट पे पावर कितना है, पावर है पावर एट वोल्टेज एट सेकेंडरी एंड करंट एट सेकेंडरी एंड दैट इज इक्वल टू 60 वॉट। तो यहां से वोल्टेज सेकेंडरी पे निकल जाएगा, करंट गिवन देखिए सेकेंडरी का करंट गिवन है 0.11, इट इज 60/0.11। अब इसको डिवाइड करेंगे, दो डेसिमल हटा दीजिए तो 6000 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल कम अक्रॉस 545 वोल्ट के आसपास आएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए इनपुट वोल्टेज कितना था 220 वोल्ट और आउटपुट कितना आ गया, सेकेंडरी पे कितना आ गया 245 वोल्ट। इसका मतलब वोल्टेज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। वोल्टेज इंक्रीज हो गया मतलब कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, ऑप्शन विल बी सी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई खास बात नहीं थी, केवल आपको पावर का कंसेप्ट याद रखना था, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए क्वेश्चन कहा गया ये ट्रांसफार्मर कंसिस्टिंग ऑफ 300 टर्न्स इन प्राइमरी, दैट मींस प्राइमरी पे नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है NP, ठीक है। फिर कहा गया कि इन द एंड 150 टर्न्स इन सेकेंडरी, सेकेंडरी पे कितना टर्न्स गिवन है 150, ठीक है। दैट मींस आपको NP/NS तो पता चल गया। फिर कहा गया गिव्स आउटपुट पावर 2.2 किलोवाट, आउटपुट पे पावर भी पता है, इफ करंट इन सेकेंडरी क्वायर, ठीक है। देखिए क्या क्या पता है आपको, NP/NS, NP कितना है देखिए, इसको भविष्य लिखते हैं 300 टर्न्स इन प्राइमरी, ठीक है। इसका मतलब प्राइमरी पे आपको पता चल गया कितना 300 और सेकेंडरी पे कितना है 150, ये 150 पता चल गया, इट इज 2। और एक चीज ये भी पता है आपको BP/BS, ये 2 हो गया, ठीक है। अब क्या गिवन है देखिए, गिव्स आउटपुट पावर, आउटपुट पावर जो है क्या होगा VS into IS, और ये कितना गिवन है 2.2 into 1000 वॉट, ठीक है। आउटपुट पावर गिवन है, देख लीजिए गिव्स आउटपुट पावर, इफ करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज 10 एम्पियर, ठीक है। IS गिवन है, इसका मतलब VS into IS, करंट इन द सेकेंडरी, दिस इज IS, तो ये हो गया 10 equal to 2.2 into 1000 वॉट। तो यहां से आपका VS निकल गया, VS कितना आ जाएगा, ये 10 से 10 गया, ठीक है, 2 एक से डेसिमल गया 220 वोल्ट, ठीक है, सेकेंडरी का वोल्टेज निकल गया। आपसे पूछा क्या गया है लेकिन इनपुट वोल्टेज एंड करंट इन प्राइमरी पूछा गया है आपसे, ठीक है। मतलब आपको इनपुट पे बात करना है लेकिन आपको निकल कहां पे गया, आउटपुट पे निकल गया, ठीक है। अब एक कंसेप्ट आपको पता है कि इनपुट पावर मस्ट बी इक्वल टू आउटपुट पावर, और आउटपुट पावर कितना है 2.2 into 1000, ठीक है। अब इनपुट पे पावर होगा क्या देखिए, ठीक है, इनपुट पे पावर क्या होगा, IP/VP इक्वल टू 2.2
इंटू थाउजेंड। अब इसमें दोनों अननोन है, ठीक है, मतलब एक चीज आपको पहले से निकालना पड़ेगा। आप यहां से निकाल लो, देखो वीएस निकल चुका है 220, यहां रख दो, इसको ले जाके यहां डाल दो, तो यहां से बीपी निकल जाएगा, बीपी विल बी 2 into VS, ठीक है। तो यहां से बीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 220 into 2, दैट मींस 440 volt, बीपी आपका निकल गया, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं बीपी, बीपी हो गया 440 volt, तैयार दीजिए 440, आईपी नहीं पता आपको, ठीक है, और ये लिखा हुआ है एक डेसिमल से एक डेसिमल हटा दीजिए 22 into 100, एक जीरो से एक जीरो गया और एक 22 times गया, तो यहां से आईपी ये 5 times चला गया, आईपी आ गया 5 एम्पियर, दैट मींस इनपुट पे करंट क्या होगा 5 एम्पियर और वोल्टेज क्या होगा 440 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए, ठीक है। ये सब कुछ क्वेश्चन थे जो हमने ट्रांसफार्मर पे किए, ठीक है।